मोदी जी, मैं एक एक बात कहूँ, ये जो आवाज अभी आपने सुनी ये खुद भारत के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की आवाज थी। और जो प्रधान सेवक से बात कर रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता कृपाल परमार हैं। लेकिन खुद मोदी जी किसी से इस प्रकार से बात क्यों करेंगे, चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्ते, मेरा नाम नितिश ठाकुर है और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। दरअसल कांगड़ा जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी टिकट ना मिलने से असंतुष्ट कृपाल परमार को खुद प्रधानमंत्री ने फोन किया और कहा कि अगर आप निर्दलीय लड़ना चाहते हैं तो आप मत लड़िए क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आपको बता दें कि 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में मतदान और उससे पहले सियासत तेज और बगावत भी तेज हो गई है। पहले आप कृपाल परमार की मोदी जी के साथ बातचीत सुनिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी? जी 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 मोदी जी, मैं एक एक बात कहूँ, आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है मोदी जी। दो दिन पहले हो जाते आपको बता दें कि परमार और मोदी के संबंध तब से हैं जब नरेंद्र मोदी हिमाचल के प्रभारी हुआ करते थे और उस समय कृपाल परमार राज्यसभा सदस्य हुआ करते थे। अब शनिवार को दोनों के बीच हुआ यूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में चुनावी रैली करने पहुंचे तो उन्हें कांगड़ा में पार्टी के बागी नेता कृपाल परमार के बारे में बताया गया। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने परमार के बारे में पूरी जानकारी निकाल ली और तुरंत उन्हें फोन किया और प्रधानमंत्री ने उनकी खैरियत जानी। फिर उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा, साफ तौर से मना कर दिया कि पार्टी के खिलाफ कोई भी एक्शन ना ले और मोदी का परमार से कहना था कि आपकी समस्याओं को सुना जाएगा और मांगों को पूरा किया जाएगा, आप चुनाव ना लड़े बदले में। आपको बता दें कि फतेहपुर से पूर्व राज्यसभा सदस्य कृपाल परमार निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। भाजपा ने फतेहपुर से वन मंत्री राकेश पठानिया को प्रत्याशी बनाया है। जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है क्योंकि कृपाल परमार जैसे बागी नेता बीजेपी के सामने सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की बागियों से आमने सामने की लड़ाई है तो कई जगहों पर बागियों ने पार्टी के चीफ का गणित बिगाड़ दिया है। यही कारण है कि मोदी समेत कई बड़े नेता खुद बागियों से बात कर रहे हैं। वहीं वीडियो को ट्वीट करते हुए कांग्रेस के श्रीनिवास ने लिखा कि डियर ईसीआई, क्या तुम जिंदा हो? नामांकन वापस लेने की तारीख निकल जाने के बाद भी भारत के प्रधानमंत्री खुद फोन लगाकर निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव से पीछे हटने की दबाव बना रहे हैं। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। क्या आजाद भारत में कभी किसी प्रधानमंत्री ने खुद निर्दलीय उम्मीदवारों को फोन करके चुनाव से पीछे हटने को कहा है? साफ है कि मोदी जी 18-18 घंटे
घंटे क्या करते हैं। मोदी जी, आपको लोकतंत्र की रखवाली की जिम्मेदारी मिली है, स्वयं चीरहरण करना बंद कीजिए। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने परमार समेत 6 बागियों को एक्सपेल किया था। परमार राज्यसभा एमपी रह चुके हैं, प्रेम कुमार धूमल के करीबी हैं और भरोसे के आदमी रह चुके हैं। 2017 के चुनाव में परमार फतेहपुर से कांग्रेस के सूजन सिंह पठानिया के हाथों हार गए थे। पिछले साल पठानिया की मौत के बाद भी पार्टी ने परमार को टिकट नहीं दिया और अब एक बार फिर नाराजगी इसी बात की है। बाकी आपका क्या सोचना है कि क्या कभी किसी प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए या फिर इस तरीके से नाराजगी बनाने से पार्टी हमें टिकट दे सकती है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।